हेलो गाइज, आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था, राजस्थान जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी पे वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अगर आप लोग राजस्थान के किसी भी कंपिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, वीडियो पूरा देखते हैं, तो 3 से 4 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख भर्ती परीक्षा 2019, जिसका एग्जाम 22 सितंबर 2019 को हुआ था, और ये इसी पेपर में ये राजस्थान जीके के 30% आए थे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी के वीडियो पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। डेली में राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वीडियो डालूंगा और आप सभी की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई, कहाँ से लाई गई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लाहौर से लाई गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सेकंड, ये हम बात करेंगे कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? बाबू जी, कोलू, मलिनाथ जी, गागरौन, तेजा जी, खरनाल, गोगा जी, ददरेवा। ठीक है, यहाँ पे देवता का नाम दिया गया है, सामने इनका जो स्थान दिया गया है, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल मल्लिनाथ जी का गागरौन नहीं होगा, बाकी बाबू जी का सही है, तेजा जी का सही है, गोगा जी का सही है, तो सी उत्तर हो जाएगा जो कि गलत सुमेलित था। थर्ड गेम बात करेंगे, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी पे? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। फोर गेम बात करेंगे, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी लाई थी, कौन से राजपूत शासक की मनसबदारी कम कर दी जहांगीर ने शासक बनने के बाद में? फोर, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। बिल्कुल राजा मान सिंह। फाइव गेम बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा काल अजय राज सेकेंड से संबंधित है, अजय राज सेकेंड का काल कौन सा था? 1105 ईस्वी, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। सिक्स की हम बात करेंगे, गोसुंडी शिलालेख कौन सी भाषा प्रयुक्त की है, गोसुंडी जो शिलालेख है उसके अंदर कौन सी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत या राजस्थानी? बिल्कुल ये संस्कृत में लिखा गया है, प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन की हम बात करेंगे, निम्न में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर 2012 नियुक्त किया गया, राज्य चुनाव विभाग के द्वारा 2012 के अंदर ब्रांड एम्बेसडर कौन सी महिला को बनाया गया था? बिल्कुल कृष्णा पूनिया को, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में रखा गया था, संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की कौन सी श्रेणी में रखा गया था? ये द्वितीय श्रेणी या फिर बी में रखा गया था, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी भाग बी। नाइन की हम बात करेंगे, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजा मंडल की स्थापना की गई, राजनीतिक गतिविधियों को संचालन करने के लिए 1934 में, साफ सा प्रश्न है यहाँ पे, 1934 में कौन से प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी? बिल्कुल जोधपुर की हुई थी, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। टेन की हम बात करेंगे, 8 सितंबर 1857 को रिक्तान स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था, आसोप, गुल्लर, भिथोड़ा और खेजड़ली, कौन से स्थान पे? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल भिथोड़ा, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए गांव अनुदान में दिए थे, कौन से महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए अपने गाँव अनुदान में दिए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। जगत सिंह सेकेंड ने, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी उत्सव जयपुर और ब्रिज महोत्सव धौलपुर, इसमें से गलत कौन सा है? बिल्कुल डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। 13 की हम बात करेंगे, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कब होता है, राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावणी तीज से होती है और अंत कब होता है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, गणगौर पे अंत होता है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। बम रशिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, बम रशिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिल्कुल अलवर, भरतपुर का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा।
15 की हम बात करेंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, कौन सी बोली बोली जाती है डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, वागड़ी बोली, ऑप्शन सी। 16 की हम बात करेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सज्जनगढ़ उदयपुर सही है, रणथुमर सवाईमाधोपुर सही है, श्रीस कालवर सही है, रामसागर कोटा ये गलत हो जाएगा जो कि हमारा उत्तर है। 17 की हम बात करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 18 की हम बात करेंगे, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रश्न हर बार रिपीट होता है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कौन से वर्ष में लागू हुआ था, 1974-75 में। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहा जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में इसे वालरा कहा जाता है, एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। 20 की हम बात करेंगे, राजस्थान में 19वीं पशु गणना कौन से वर्ष में की गई, 19वीं पशु गणना राजस्थान में कब हुई थी, 2012 में हुई थी, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। 21 की हम बात करेंगे, गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई गई, गंग नहर का निर्माण कब किया गया महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया और कौन से वर्ष ये बनवाई गई थी, तो 1927 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे, चांद बावड़ी कहाँ पे, चांद बावड़ी दौसा के अंदर, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, मांडव की जो पाल है वो किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, फ्लोराइट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है, कौन से जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है, साफ सी जाहिर सी बात है राजस्थान के दक्षिण छोर बांसवाड़ा में रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, चौबीसवें का सी। 25वें की हम बात करेंगे, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है कितने किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम ही पूछा जाता है, बिल्कुल 826 उत्तर से दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, बोहराट क्षेत्र, दक्षिण अरावली, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 26वें का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर हो जाएगा, उसके अलावा अरावली का मध्यवर्ती भाग जो कि जयपुर होगा और बोहराट क्षेत्र हो जाएगा उदयपुर में और दक्षिण अरावली सिरोही पे होगी। सी जैसे ये राजस्थान का नक्शा है तो अरावली कुछ इस प्रकार है, ठीक है, यहाँ पे सिरोही आखिर में आएगा और दक्षिण अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली जो कि अलवर हो जाएगा और मध्यवर्ती में जयपुर आ जाएगा, जयपुर अजमेर। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे, 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में किस नदी में है, 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में कौन सी नदी से है, माही नदी। 28 की बात करें, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित EW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है, कौन सा जिला EW प्रदेश में आता है, कोपेन का जो वर्गीकरण था, क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन डी डूंगरपुर। 29 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन से खनिज मृदाओं में लवणीय क्षारीय का समाधान हेतु उपयुक्त किया जाता है, सोडियम, जिप्सम, टंगस्टन या मैग्नीशियम, जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे, आप सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, कूट का प्रयोग सही चयन कीजिए, इमारती लकड़ी, चारकोल, कत्था या बीड़ी और इनके वृक्ष के नाम दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, राजस्थान जीके की जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उन सभी में वीडियो बनाएंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, थैंक यू।